वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं भेजा फ्राई सनी मोजा के साथ। जी हाँ, वही सनी मोजा जिसे सुनते ही आप कहते हैं कि भैया रेडियो जिंदगी पे तो आज मोजा आ गया मोजा। तो दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा कि आप भी मिलके खुश हो जाएंगे कि भाई वाह किससे बात कराइए। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं, इफ यू लिसन टू दिस शो, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आज की दुनिया में क्या होता है, जो नेगेटिव न्यूज है वो बहुत जल्दी फैलती है। वी ऑल शेयर इट ऑन फेसबुक, निंदा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको बढ़ावा देते रहते हैं। और जो अच्छी न्यूज होती है, जो कोई अच्छा काम करता है, वो कहीं ना कहीं कोने में दबा हुआ, छुपा हुआ, पता भी नहीं चलता कब हुआ कब नहीं हुआ। और हमारी छोटी मोटी सी कोशिश यही होती है कि हम ऐसी न्यूज, ऐसी चीजें आपके लिए लेके आए। तो आज हम वही करने वाले हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर अधिक कदम। अब आप पूछेंगे वो कौन है? जी, आप गूगल कर सकते हैं मिस्टर अधिक कदम, एंड यू कैन ऑल्सो लुक अप बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन। ही इज डूइंग ए लॉट ऑफ गुड वर्क इन कश्मीर। बट मैं पूरी भूमिका नहीं बांधूंगा क्योंकि मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं, एंड आई वांट टू लिसन फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। तो अधिक, वेलकम टू रेडियो जिंदगी एंड भेजा फ्राई विद सनी मोजा। थैंक यू सो मच सनी कॉलिंग मी हियर ऑन रेडियो जिंदगी। सर, आपने टाइम निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने बात की अच्छी बातों की। बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन ये आपने स्टार्ट की है, एंड इसका जो गोल है बेसिकली, एंड टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, इज बेसिकली सेटिंग अप दिस नॉट ओनली ऑर्फनेज बट ऑल्सो एजुकेशन सिस्टम फॉर किड्स हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन कश्मीर टू टेररिज्म। उन बच्चों का ख्याल रखते हैं आप? करेक्ट, दिस इज स्पेशली फॉर अ गर्ल चाइल्ड हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन वायलेंस, एंड वी आर वर्किंग इन कश्मीर सिंस 97। सो दिस इज स्पेशली टू टेक केयर ऑफ देयर लॉजिंग, बोर्डिंग, एजुकेशन, एवरीथिंग, जस्ट लाइक अवर ओन चिल्ड्रन वी आर टेकिंग केयर लाइक। तो आप 97 से ये कर रहे हैं? करेक्ट। और आप ओरिजिनली कहाँ से हैं? आई एम बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पूना, बट आफ्टर माई 12th आई वेंट टू कश्मीर जस्ट फॉर, दैट वॉज जस्ट स्टडी और रिसर्च टूर एक्चुअली फॉर 15 डेज। अच्छा। एंड दैट 15 डेज टूर इज नाउ इट्स लाइक 18 ईयर्स नाउ। सो आई नॉट केम बैक फ्रॉम कश्मीर टू पूना, एंड आई डिसाइडेड टू बी देयर बिकॉज lot of issues, lot of you know situation I have faced actually. I understand that 14-15 year old children, they are going in a very wrong way actually, and they are losing their lives, precious life. Many you know communities they lost their precious children. So I decided ki I am here maybe for the reason to take care of those children. So after understanding the situation, I came to know there are more than lakhs orphans in J&K state. And the Save the Children, just in 2012, they announced that there are 2,15,000 orphans in J&K state. Wow. So you know, this is a call, you know, and that call I decided in 97-98. तो एक बात बताइए, देखिए अच्छे ख्याल हम सब के मन में आते हैं, हम सब ओवरऑल अच्छा ही करना चाहते हैं, लेकिन वो जो फर्स्ट स्टेप होता है कि हाँ भैया मैं अब ये करता हूँ, वो कैसे किया आपने? आपको लगा अच्छा ख्याल आपके मन में, लेकिन वो पहला स्टेप कैसे लिया आपने? 99-2000 के बीच में मेरे सामने एक बिल्कुल 15-16 साल का लड़का, 17 साल का लड़का, एक आर्मी के कैंप में बॉडी को बॉम्ब बांध के आर्मी के कैंप में अपने आप को उड़ा दिया उसने, और जब उसका जो बॉडी का फ्लैश है वो मेरे गाड़ी के ऊपर आकर गिर गया, एंड मेरे सामने वो मरा है एक्चुअली। उसमें कुछ सोल्जर्स भी मर गए, एंड बहुत ज्यादा फायरिंग हुआ, मुझे भी बहुत मारपीट हुई बाद में, क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते थे। एवरीवन इज जस्ट डूइंग समथिंग व्हिच इज दे फील एप्रोप्रिएट, एंड उसमें फिर हम तो निकल गए। लेकिन तब समझ में आया कि मेरे सामने अगर कोई मरा है तो दो ही चीज ऑप्शन थी मेरे सामने कि भाई यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, लेकिन दूसरा एक और ऑप्शन था कि भाई ये अच्छा सब्जेक्ट है पीएचडी के लिए, तो हम लोग पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन दोनों चीज में मुझे लगता था कि एक सेल्फिश थॉट है और एक फियरफुल थॉट है, तो मुझे लगा कि शायद ये दोनों भी रॉन्ग है और शायद तीसरा थॉट कुछ और आना चाहिए, कुछ है शायद। तो रात भर मेडिटेशन करने के बाद एक आया कि नहीं, यू हैव टू बी हियर, बिकॉज कोई लड़का 16-17 साल का लड़का अगर तुम्हारे सामने वो मर रहा है तो शायद नेचर ने कुछ कॉल दिया है, एंड यू हैव टू टेक दिस कॉल कि भाई देखो ये सिचुएशन ऐसी है, हम जैसे लड़के 17 साल के लड़के ऐसे जान दे रहे, तुम क्या करोगे, तुम क्या हमारे लिए कुछ कर सकते हो? सो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि आई विल बी हियर एंड आई विल वर्क फॉर द चिल्ड्रन। क्या बात है, कुछ लोग 10 कदम देखते हैं और कुछ लोग अधिक कदम चलते हैं। तो आपका नाम भी बड़ा पावरफुल है, खैर अधिक कदम मतलब काफी कदम चलते हैं आप आगे। तो ये बताइए कि जब आपने शुरू किया या थॉट आया, अब आपको यू नो फियर के आगे भी आप निकल गए, तो लोकल सपोर्ट कितनी मिली आपको वहां से?
इतना आसान नहीं था क्योंकि नॉन मुस्लिम वर्किंग फॉर 100% मुस्लिम कम्युनिटी, कश्मीर में तो ऑलमोस्ट 95% मुस्लिम कम्युनिटी है बट हिंदू कम्युनिटीज है नहीं. एंड वन कुपवारा जैसे डिस्ट्रिक्ट में तो आई एम वॉज अ सिंगल पर्सन. तो बहुत बार उठा लिया मुझे मिल्टन्स जो है. अच्छा. बहुत बार उन्होंने छोड़ दिया तो आर्मी वाले आप सिक्योरिटी वाले उठा लेते थे क्योंकि आप ऐसे बात कर रहे थे रोज का ही होता था, आज उसने उठा लिया कल उसने उठा लिया, मतलब आदत सी हो गई फिर आपको. एक ऐसी सिचुएशन थी देखो आप 26 जान या ऐसे जान में जब आप ना 15 अगस्त को मार्च पास देखते हो तो कभी ऐसे टाइम था कि मैंने मिल्टन्स का भी मार्च पास देखा है. ठीक है. यू नो मतलब ऐसी सिचुएशन में रहा हूँ मैं. और जब कोई नॉन मुस्लिम वहां काम करता है फ्रीली वहां पर रहता है लोगों के साथ रहता है मैं कभी मैं डरा नहीं हूं. मतलब पहली बार जब मुझे उठा लिया था पकड़ लिया था उस टाइम ही डर खत्म हो गया. उसी टाइम डर लगा लेकिन उसके बाद 1.5 मिनट मुझे 11 लोगों ने मार रहे थे मुझे. उसमें से शायद मैं बच गया. उनने फिर हाथ जोड़ के बोला कि भाई आप खुदा का काम कर रहे हो, आपको हमको नहीं मारना चाहिए था, आई एम सॉरी. और बोला कि आपको जो कोई मारेगा वो सच्चा मुसलमान नहीं होगा करके उन्होंने मुझे वहां से तो छोड़ दिया. लेकिन ऐसे तो बहुत बार मुझे पकड़ लिया बहुत बार छोड़ दिया लेकिन इस सब चीज में ना सिक्योरिटी वाले भी उठा लेते थे कि उनको लगता था इन्होंने क्यों छोड़ा क्योंकि ये तो नॉन मुस्लिम है उनका आदमी तो नहीं और ये तो ISI का आदमी है और कुछ इंटरनेशनल आदमी नहीं है तो वो इंडियन एजेंसी उठा लेते थे. तो इस पे जो वो 6-4, 8-8 घंटे रखते थे ये सब चीज में 8-10 साल चले गए. तो वहां पर लोकल जो है ना सिचुएशन इतना फेवर नहीं था और कभी भी नहीं था. बट ये है कि शायद बोलते ना कि हमारे अंदर शायद कुछ एक नेचर का एक इनोसेंस था जो हर एक मतलब वो मिल्टन जिनके हाथ में गन थी और जिनके हाथ में गन नहीं है शायद सब लोगों ने समझा शायद उसकी वजह से आज तक हम जिंदा है और उसी की वजह से शायद हम काम कर पा रहे हैं. तो दोस्तों फिर से आपको याद दिला दूं कि हम बात करें अधिक कदम से. ही इज एक्चुअली हैविंग एन ऑर्फनेज एंड अ स्कूल इन कश्मीर फॉर ऑल द किड्स who have lost their parents to terrorism. अगर आप भी बात करना चाहते हैं, कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो की लाइंस अब खुली हैं. हमारा नंबर है 510-270-8830, 510-270-8830. तो अधिक ये सब काम तो आपने किया, मतलब अच्छा काम है, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी ऐसे काम करने के लिए ऑब्वियसली सो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होती है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, तो उसके लिए आपने क्या किया? कश्मीर में 370 की वजह से हम लोग लैंड नहीं खरीद सकते, बहुत सारे वहां का टेक्निकल इश्यूज हैं. बिल्कुल. बट वी हैव अ ट्रस्ट बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन जो हमने 2002 में रजिस्टर किया. मैं तो 1997 से 2001 तक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया लेकिन फाइनली समझ में आया कि एवरी वन वॉन्ट टू यूज कश्मीर एज अ पॉलिटिकल और रिलीजियस और इकोनॉमिकल सम रीजन के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज भी कर रहे हैं. So decide किया कि भाई we have to start our own because if you want to really genuine transparently we have to work. Then हमने पूना से हमने रजिस्टर किया, कुछ हमारे फ्रेंड्स थे कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुस्लिम दोनों में हम मिला के हमने ट्रस्ट रजिस्टर किया. एंड देन कश्मीर में भी हमने एक ट्रस्ट रजिस्टर किया क्योंकि वही सब लोग वहां पर भी थे. एंड देन वहां पर कश्मीर में हमने जमीन खरीद ली, वहां पर हम लोगों ने 2 घर के लिए हमने जमीन ले लिया एंड वी वांट टू स्टार्ट बिल्डिंग फॉर इट. बट ये जो सपोर्ट जो है वो इंडिया में बहुत लोगों ने हमको सपोर्ट किया है, स्पेशली यूएस में मैं आया हूँ तो आशा फॉर एजुकेशन करके जो यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है सो आशा फॉर एजुकेशन इज सपोर्टिंग ऑलमोस्ट लास्ट 11 ईयर्स एंड दे आर लाइक सपोर्टिंग 90+ गर्ल्स एंड बहुत सारे बच्चों. ये 90 जो डोनर्स है ये कैलिफोर्निया से है एक्चुअली. वाह क्या बात, सिलिकॉन वैली से ही है. और इतना बता दूं कि अभी जो लोग सुन रहे हैं और कनेक्ट होना चाहते हैं मैंने फेसबुक अपने पेज पे इनका लिंक डाल दिया है. मेरा फेसबुक आप जानते हैं सनी मोजा, वहां पर जाइए, द फर्स्ट पोस्ट दैट यू सी इज द लिंक टू द वेबसाइट एंड यू कैन कनेक्ट विद हिम फ्रॉम देयर. अधिक एक कॉल आ रही है, लेट्स टेक दिस कॉलर लाइव ऑन एयर. कॉलर यू लाइव ऑन एयर, आपका नाम? या सनी. हाँ जी, आपका नाम सर? पॉल जी. बोलिए, आपका कोई सवाल या कमेंट अधिक जी के लिए? सवाल नहीं है, कमेंट है. पहले आपको भी आप भी मुबारकबाद के पात्र हो क्योंकि आप इनको ढूंढ कर लाए. तो आदित्य तो है ही है ट्रू हीरो और ट्रू सेंट, इसके ऊपर है मैन ऑफ रैंक एंड स्पिरिट. सो ही इज अ रियल मैन ऑफ रैंक एंड स्पिरिट एंड आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स कैन सर्व दिस पर्पज और डू दिस काइंड ऑफ humanity work. I don't know. Bilkul, he's sir. Really man of rank and spirit and not me, the whole Bay Area must salute him for doing such a great work. Thank you, sir. He's blushing right now. Thank you. You're really a chin man. Thank you, sir. Others couldn't do that because, you know, everybody is talking, but you did it. Yeah, thank you, sir. Thank you so much for your comments and calling. Thank you so much.
तो अधिक जैसे जो लोग सुन रहे हैं उसमें से बहुत कम लोग हैं जो कॉल कर पाते हैं, कईयों का फोन लगता नहीं है, बट आई एम श्योर कि जो सेंटिमेंट है कि भैया वाह क्या काम किया है आपने, दिस इज अ जनरल सेंटिमेंट इन बे एरिया जो भी सुन रहा होगा. एंड लिसनर्स, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं इस कॉज से या फिर ज्यादा जानना चाहते हैं तो गो टू माई फेसबुक पेज, वहां पर मैंने लिंक डाली हुई है एंड यू कैन सी ऑल द थिंग्स दैट ही हैज बीन डूइंग इन कश्मीर. क्योंकि मैंने जब सुना था, पढ़ा था, देखा था यूट्यूब पे, तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कई लोग सिर्फ बातें करते हैं, मैं भी बातें ही करता हूँ, रेडियो पे हूँ, करनी पड़ती हैं, लेकिन होता है कि हम सब अच्छा करना चाहते हैं, वो फर्स्ट स्टेप इज वेरी डिफिकल्ट. तो आपने बताया कि आपको काफी सपोर्ट मिल रही है. नाउ टेल मी समथिंग, कश्मीर आजकल की जो मॉडर्न जिंदगी यहाँ पर है उस हिसाब से काफी पिछड़ा हुआ इलाका है. लाइक इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी इतनी तेज नहीं होगी, जो मॉडर्न फैसिलिटीज हैं वो नहीं होंगी, रोज जान का खतरा आपका लगा रहता होगा. तो पुणे से आए आप, पुणे आई नो आई हैव लिव्ड इन पुणे, इज अ वेरी मॉडर्न टाउन, वहां से जाके आप कश्मीर में रहे, डिड यू मिस योर मॉडर्न लाइफ या डिड यू मिस कि अरे यार मैं कहां आ गया, इतने ग्लूमी सा है, ठंड बड़ी पड़ती है, शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता है, मे बी आपके स्टार्टिंग में दोस्त इतने नहीं थे, तो आपको वो फीलिंग आई थी अकेलेपन की वहां पे? सी, जब मैंने कहा ना कि मैंने आपको बताया कि कोई लड़का जब मेरे सामने मर जाता है 17-18 साल का, जब बॉडी को बॉम्ब बन के उड़ा देता है अपने आप को, तब ना दो ही ऑप्शंस मेरे सामने थे, तो भाग जाए या फिर थोड़ी देर रुककर अपने पीएचडी करे और डॉक्टरी करके बाद में नाम कमा ले. लेकिन फिर ये सब छोड़ के मैंने इसलिए वहां पर डिसीजन लिया क्योंकि एक अवेयरनेस था जिंदगी का, एक सामने एक सिचुएशन है जिसको मुझे एड्रेस करने के लिए शायद नेचर ने मुझे मेरे सामने सिचुएशन क्रिएट की. तो जब वो मैंने डिसाइड किया था नो आई विल वर्क दिस ऑन दिस सब्जेक्ट हियर इन कश्मीर, दैट मीन्स कि बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स आए, इतने बार मुझे उठा लिया, इतने बार तकलीफ हुई, इतने बार प्रॉब्लम्स हुई, वहां पर फतवे निकाले, 50-60,000 लोगों के सामने लोग फतवे निकालते थे मस्जिदों से. लेकिन और कभी कभी तो फतवे तो मैं खुद भी सुन लेता था बैठकर उनके भीड़ में, लाभी वही होते थे. हाँ, तो लेकिन लोगों ने, वहां के लोगों ने फिर सपोर्ट किया कि नहीं यार ये आदमी यहाँ पर काम कर रहा है. और कश्मीर में मैं 18 साल में घर से जब से निकला हूँ मेरे जेब में कभी भी पैसे नहीं होते थे. मैं कश्मीर में बिना पैसे से आज तक रहा हूँ. कश्मीर इज अ टूरिस्ट प्लेस, लेकिन वहां पर मुझे कभी भी पैसा नहीं लगा. मैं लोगों के घर में और खाना सब फ्री, कभी भी मुझे कभी भी पैसा नहीं लगा. और मैं अभी भी यहाँ यूएस में आया हूँ, मैं एक रुपया भी लेकर नहीं आया, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है. आई एम जस्ट ट्रैवलिंग विद द सपोर्ट ऑफ फ्रेंड्स एवरीवेयर, जो भी अब रहूंगा सब बिना पैसे. सो मेरा ट्रस्ट जो है नेचर के ऊपर वो इतना बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि मैं जिस कॉज के लिए अगर मुझे पैदा किया है ना, शायद यही कॉज है और इसके लिए मुझे पूरा खबर अपने आपको देना है. और जब जितना मैं दे रहा हूँ ना, नेचर उतना एग्जैक्टली रिटर्न करता है. आज जो बच्चे ऐसे बच्चे थे कि जिनके माँ बाप सामने मरे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं कि जिनका बाप के चेस्ट में गोली मारी है और वो गोद में मर गया है, हमारे घर बच्चे कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम भी बच्चे हैं, दोनों टाइप के होम के बच्चे हैं. ऐसे बच्चे आज अपने आप को स्टैंड करके, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई लॉ में जा रहा है, कोई फर्स्ट ईयर साइंस में है, या कोई 93-94% सीबीएसई में लेकर चेन्नई में पढ़ रहा है. तो ऐसे सब जब बच्चे कि जो जिनके माँ बाप को टेररिस्ट ने मारा है या इवन इंडियन सिक्योरिटी की वजह से कोई अगर मर गया है, तो वो बच्चे गुस्से में उसका बदलने का भाव नहीं है. दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द कम्युनिटी. बिल्कुल. लेट्स टेक वन मोर कॉल. कॉलर यू आर लाइव ऑन एयर. आपका नाम? कॉलर आपका नाम? कोई बात नहीं, शर्मा आगे, दोबारा फोन कर लीजिएगा आप. तो अधिक, आपने ये जो बात कही ना कि भाई बिना पैसे के मैं चला गया, इट्स अ वेरी प्रोफाउंड थिंग. क्योंकि ऐसा मुझे भी लगता है कि हर एक की किस्मत में जो लिखा होता है वो मिल ही जाता है समहाउ. और ऐसा कहते हैं कि पैसे से सुख खरीदा नहीं जाता, पैसे से सुख खरीदा नहीं जाता और दुख का कोई खरीदार नहीं होता. तो मैं उसी बात पे आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप अपनी फैमिली से अवे हैं, आपकी अपनी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया? या ये तो बहुत हुआ. मेरे मम्मी डैडी ने भी पहले सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन मैं एक्चुअली फार्मर फैमिली से हूँ. पुणे से भी बहुत क्लोज रहते हैं मध्य डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अच्छा. पैदाइश पुणे में हुई, पढ़ाई भी पुणे में हुई. मेरा 12th के बाद मैं कश्मीर गया हूँ, लेकिन मैंने पीजी किया पुणे से, पुणे में ही किया. 5-6 साल में वो जो 97 से ऑलमोस्ट 2001 तक जितने भी पढ़ाई की, वो बस 2 महीने पुणे में आकर पढ़ाई करता था. 8-10 महीने में कश्मीर में रहता था. अच्छा. लेकिन वो कहा ना कि एक पागलपन ही होता है, और पागलपन होंगे तो ही ये काम कर सकता है. नो दिस. तो एक सिचुएशन ऐसी आती है लाइफ में कि जहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है. तो मैंने डिसीजन ले लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे घर वाले, घर का बड़ा लड़का है, कमा सकता था, कुछ कर सकता था, लेकिन माँ बाप को मैंने कुछ किया नहीं. मैंने आज तक पैसा ही नहीं कमाया. तो मेरे मास्टर ने वैसे मुझे कहा था, क्योंकि आई एम लिविंग इन हिमालय,
हिमालय में बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, आई एम लिविंग विद देम. तो वो लोगों ने कहा था कि ये इन चीजों के पीछे भागो ही मत. पैसा क्या, आपने जैसे बोला ना कि पैसा खैर वो सुख नहीं मिलता, नहीं मिलता, लेकिन पैसा देने से दे सकते तो शायद हो सकता है. और दूसरा ये है ना कि दुख खरीद नहीं सकते, बराबर ना, लेकिन दुख हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए. पेन इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया. और कश्मीर में इतना तकलीफ होने के बाद भी आई एम हैप्पी कि हम लोग काम कर सकते, क्योंकि इसमें से कुछ बना सकते, कुछ बन रहा है. जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया जहां पर बॉर्डर एरिया में देख लीजिए आप, कोई भी बॉर्डर या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एरिया में जितने भी लोग रहते हैं ना, दे आर लाइक शिकार बन जाते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. बिल्कुल, जितने भी शेलिंग, जितने भी कुछ प्रॉब्लम होती है, बॉर्डर इज लाइक वर्क एज अ शॉक ऑब्जर्वर फॉर द कंट्री. और हमारी कश्मीर हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, या बंगाल की तरफ की बॉर्डर हो, सारे के सारे जो है वो शॉक ऑब्जर्वर का काम करते हैं और वहां के लोग फेस करते हैं. अगर हम लोग उन लोगों की ख्याल नहीं करेंगे तो वो भी हमारे देश की ख्याल नहीं करेंगे. तो बॉर्डर एरिया में जो लोग है, कोई कंपन डालने से बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं होती है, लोगों को अगर फ्यूचर सिक्योर करेंगे ना तो बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा. एंड दैट वाज वी आर वर्किंग इन कश्मीर. क्या बात है. हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा गाना सुन लेते हैं, और गाने के बाद हम अधिक से बातचीत जारी रखेंगे. तो दोस्तों वंस अगेन, इफ यू वांट टू कॉल इन, का नंबर है 510-270-8830, 510-270-8830. जी जा. तो दोस्तों बहुत सारे फोन बज रहे थे तो मैंने सोचा गाना थोड़ा अधूरा छोड़ दें, क्योंकि ये डिस्कशन जो है बार बार नहीं आने वाली. मिस्टर अधिक कदम हमारे साथ बार बार नहीं जुड़ने वाले. तो लेट्स टेक दिस कॉल लाइव ऑन एयर. कॉलर, यू आर लाइव ऑन एयर. दिस इज मनु. मनु भाई, आपका क्या सवाल या कमेंट है हमारे अधिक भाई के लिए? अधिक भाई, पहली बात है कि बहुत आपको कंग्रेचुलेशंस, आपका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है. थैंक यू. और मानिए मेरी बात कि भगवान ने आपको चूज किया है, ये आप इस फील्ड में जाएं और ये इनकी हेल्प करें. या करेक्ट. सो इट्स अ डायरेक्ट इंडिकेशन फ्रॉम द गॉड कमिंग टू यू दैट यू नीड टू हेल्प दीस पीपल एंड गॉड विल बी ऑलवेज बी विद यू. या आई नो, नोबडी कैन टच यू, बिलीव मी. या थैंक यू सर, आपको बहुत दुआएं मिल रही हैं अधिक भाई. थैंक यू सो मच मनु फॉर कॉलिंग इन. कॉलर, यू लाइव ऑन एयर. आपका नाम? हेलो. हां जी, आपका नाम सर? विक्रम बोल रहा हूँ. नमस्कार. हाँ जी विक्रम जी, नमस्कार. बताइए सर, आपका कुछ कमेंट, कुछ कहना चाहते हैं आप अधिक सर से? मैं अधिक जी को पहले तो वो देने चाहता हूँ, क्या देते हैं, बधाई देनी चाहता हूँ ये. और जैसे उन्होंने बोला कि अगर ये उनकी केयर नहीं करेंगे तो वो हमारे मुल्क की केयर नहीं करेंगे, है ना? बिल्कुल करेक्ट. इनका क्या मतलब है, वो कश्मीर क्या इंडिया से बाहर है? नहीं सर, वो बात नहीं है सर. लेट मी आंसर एंड आई टेल यू व्हाई आई एम आंसरिंग. आई एम गोइंग ड्रॉप द कॉल बट आई आंसर योर क्वेश्चन. एंड मैं इसलिए आंसर कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कश्मीर से हूँ. तो बात यह है कि इट्स अ ह्यूमन नेचर. अगर आप उनकी केयर नहीं करोगे तो कोई आपकी केयर नहीं करने वाला. द रीजन बींग इट्स नॉट अ टैग कि हम हिंदुस्तानी हैं. अगर हम एक दूसरे का प्यार से नहीं रह सके, चाहे वो पुणे के लोग क्यों ना हो, चाहे वो बिहार के लोग क्यों ना हो, चाहे वो कश्मीर के लोग क्यों ना हो, अगर हम केयर नहीं करेंगे एंड स्पेशली ऑन अ डिस्टर्ब्ड एरिया लाइक कश्मीर विच नीड्स मोर अटेंशन एंड मोर लव, क्योंकि वहां काफी किलिंग्स होती हैं, टेररिज्म होता है. अधिक भाई, यू कैन चाइम इन जो मैंने कहा, प्लीज. सही बात है. और दूसरा ये नहीं कि ओनली कश्मीर, इट्स आसाम से लेकर आप देख लीजिए कि नॉर्थ ईस्टर्न कितने सारे 7 स्टेट्स है, और हमारे देश की जो बॉर्डर है ये गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक की बॉर्डर है. इतनी सब लंबी बॉर्डर पे अलग अलग स्टेट, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग यू नो सब फेथ के लोग रहते हैं. और इस सब ने, इट्स नॉट कि आर्म्स, एमिनेशन, ड्रग्स, ये जितनी भी निगेटिविटी चीज है बाहर से जो आ रही है, इट्स नॉट ओनली कमिंग फ्रॉम कश्मीर, फ्रॉम एवरीवेयर. और तो ये मैं कश्मीर के लिए बात नहीं किया, मैंने सारे बॉर्डर एरिया के लिए बात की कि हम लोगों को हमारे बॉर्डर एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, हम लोगों को उनकी सिक्योरिटी, उनका ख्याल करना चाहिए. और वो बस उनको उनको कोई बोलते ना कि उनके लिए कोई प्लान करके नहीं, वी हैव टू वर्क फॉर देम. उनके लिए वी हैव टू वर्क फॉर देम. दिल्ली में बैठकर एक प्लान नहीं हो सकता बॉर्डर एरियाज के लिए. इतने सारे स्टेट होने के बाद हम लोगों को वी हैव टू वर्क फॉर देम, और वहां जाना पड़ेगा. वाघा बॉर्डर पे लोग जाते हैं, जाकर वहां पर सैल्यूट करते हैं, वहां पर वो एज ए टूरिस्ट प्लेस बन गई आज वो वहां पर. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉर्डर वहां पर जाने से हम लोग बॉर्डर एरिया के लोगों को हमने उनका ख्याल किया नहीं. जाओ राजस्थान, जाओ गुजरात, देख लो वहां पर कैसे लोग रहते हैं. वो लोगों को हम लोग जाकर पूछते भी नहीं है कि भाई तुम ठीक हो नहीं हो. वहां से शेलिंग आती है, फायरिंग होती है, इतना सब वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है. वो लोग कंटिन्यूसली थ्रेट में रहते हैं, और हम लोग दिल्ली पुणे में बैठते, ताज में जब कभी अटैक होता है तो हम लोगों को लगता है टेररिज्म है, हम लोगों को लगता है कि इतना प्रॉब्लम है. लेकिन हम जैसे लोग जो कश्मीर में रहते हैं, हम लोग रोज ऐसे अटैक देखते हैं. बिल्कुल. तो ताज में एक अटैक हुआ तो हमको डर आ गया, अरे हम तो रोज देखते हैं. तो
वहाँ के लोग तो कंटिन्यू डर में है. बिल्कुल. तो हम लोगों को वो डर से उनको निकालने के लिए, उनको डर से अलग करने के लिए वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम थ्रू डिफरेंट वेज, डिफरेंट टूल. फिर वो एजुकेशन हो, वो स्पोर्ट्स हो, वो फिर पीस की बातें हो या और कोई उनके लिए कोई तरीके हो, बट वी हैव टू वर्क फॉर देयर फ्यूचर एंड चिल्ड्रन आर अ बेस्ट वे टू वर्क फॉर द फ्यूचर. दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ओनली फॉर चिल्ड्रन और स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि लड़कियां अगर काम करें उनके लिए अगर हम लोग पढ़ाई करवाते हैं उनके, वो बढ़ती है शादी करके जब अपने घरों में जाएंगे, दे डेफिनेटली मैं आपको ये बताता हूँ, एक लड़की जब शादी करके जाएगी ये लड़की जरूर बोलेगी भाई तुम कुछ भी कर गन उठा के किसी को नहीं मारना. और अगर एक लड़की अगर हमारी लड़की अगर गन उठा बोलती है ऐसे कि तुम गन उठा के नहीं मारना, तो एक हमारे देश का आदमी या एक देश का सोल्जर बच जाता है. एक देश का सोल्जर मतलब वो दो लोग बच जाते हैं, एक वो लड़का जो गन उठाएगा और जो किसी को नहीं मारेगा वो, तो दो लोग बच जाते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है ना. एग्जैक्टली. और कहते भी हैं कि एक फैमिली जो होती है या किसी भी देश की फाउंडेशन, फैमिली की फाउंडेशन इज ऑलवेज अ फीमेल, बिकॉज फीमेल प्लेज अ बिग पार्ट इन एजुकेशन, इन कीपिंग ए हाउस स्टेबल. और दूसरी बात जो थी वो बच्चों की बात जब आपने की थी कि क्या वो हमारे देश से प्यार नहीं करेंगे, अगर आई थिंक दूसरा उसका रीजन ये भी है कि बच्चे हैं उनका माइंड बड़ा फॉर्मेशन स्टेज पे है और उस सिचुएशन में जहां मे बी दे आर हियरिंग अ लॉट ऑफ टेररिस्ट लाइक एक्टिविटीज, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर उनका झुकाव उस तरफ हो जाए अगर इस तरह की एजुकेशन ना मिले उनको. करेक्ट. तो अधिक भाई ऑन दूसरे नोट, आपने कुछ कश्मीरी सीखी क्या? हाँ कश्मीरी, लेकिन एक अच्छी बात है कि बेटर है कि विल नॉट टॉक कश्मीरी. इसलिए क्योंकि 18-19 साल से तो मैं वहां पर उसकी वजह से बच गया, क्योंकि नहीं आने के कारण वो लोगों को पता है कि उसको आती नहीं है. अच्छा. इसलिए डोंट वांट टू टॉक हियर, कुछ भी नहीं, क्योंकि शायद कश्मीर वायर नहीं होगा. बट ये है कि बहुत बार लोगों ने, वहां के लोगों ने, कुछ लोगों ने बहुत प्लान किए थे मेरे सामने मुझे मारने के, और कश्मीरी में बात कर रहे हैं और मुझे सुन रहा है, और वो तो मुझे समझ में आया कि यार ये लोग तो मुझे प्लान कर रहे हैं, तो मुझे बहुत बार बच गया. अभी मैं फिर भी मुझे 19 बार मुझे उठा लिया है, मतलब इतना सब बचने के बाद भी 19 बार मेरे साथ. तो आपका मतलब रिकॉर्ड है ऑलमोस्ट हर साल में एक बार आपको उठाते हैं ऐसा? हर साल नहीं, इनिशियल लेवल पे 2008 के बाद तो नहीं हुआ. अच्छा. 2007 तक बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हुए, मतलब लोग मारने के लिए भी आते थे. अच्छा. ऐसे एक बार ऐसे हुआ कि हमारे जो ब्रोशर है, जो आपके पास जो ब्रोशर दिया मैंने, जी, तो दो तीन लोग आए थे मारने के लिए, लेकिन पता नहीं चला कि मुझे कि कौन है. वो तो बात करके 1.5 घंटे के बाद निकल गए वो. फिर उसके बाद 6-7 महीने के बाद उनके एक लेडी आई और उसने बोला कि मैं नहीं था, मैं हमारी मैनेजर थी सलीमा, तो उसको बोला कि दीदी ये मुझे एक एडमिशन करना है. तो दीदी ने बोला कि ऐसे प्रोसीजर है, हम ऐसे कर सकते हैं, वो क्या कैसे मेरा उसका फादर ये. उसने कहा कि नहीं, हमारे इसके जो वालिद मतलब फादर जो है लड़की के, वो यहाँ आए थे आपके जो भाई साहब है उनको मारने के लिए, लेकिन वो तो उन्होंने मारा नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा था घर आने के बाद कि उसको अगर कुछ हुआ, बिकॉज वो एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर थे, तो उसको कुछ हुआ तो बच्ची को इसी घर में डालना. वाह. तो क्या बात है. तो ये है कि और उन तो पता नहीं, मतलब वो तो मुझे मारने के लिए आए थे, उन्हें मारा नहीं, लेकिन अपनी बीवी को जाकर बोला कि बच्ची को उधर डालना, तो वो मर गए 3-4 महीने के बाद, क्योंकि मिलिटेंट है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं उसके उनको डेथ. बट टाइम की बात है, क्योंकि मतलब इस तरह का अगर काम कर रहे हैं तो जान का खतरा तो है ही है. तो अभी बताइए कि कितने बच्चे टेक केयर कर रहे हैं अभी? तो देखो हमारे 200+ लड़कियां हैं जो हम लोग उनका पूरा लॉजिंग बोर्डिंग एजुकेशन सब कर रहे हैं. हमको ऐसे 4 घर ऑलरेडी है और हम टेंटेटिव सब मिला के 223 लड़कियों को हम हैंडल सब संभाल रहे हैं. तो इनमें जो लोकल वहां की लेडीज या लोग हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं सब मैनेज करने में? करेक्ट. तो ऑलमोस्ट 30 लोगों का सपोर्ट स्टाफ है, दे आर मैनेजर, वार्डन, वॉचमैन, लोकल कॉन्डर हैंडल. मोस्टली वो जो 30 लोग हैं वो लोकल सब है, लोकल है एंड मैं ही बाहर से हूँ एक्चुअली. एंड लड़कियों के लिए करना नहीं चाहते थे क्योंकि लड़कियां एक सॉफ्ट टारगेट बन सकती है. एक जगह पर इतनी लड़कियां मिलेंगी तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, टेररिज्म है, तो लड़कियों को इस्तेमाल कर सकते हैं. राइट. बहुत मुश्किल थी, इतना आसान नहीं था ये सब करना, लेकिन मैंने कहा ना कि एक कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल एक सपोर्ट है, नेचर का एक सपोर्ट है कि उसकी वजह से हम लोग वहां पर स्टेबल कर पाए और बच्चों को उसके लिए काम कर पाए. अदरवाइज लड़कियों के लिए काम करना, एक नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम लड़कियों के लिए काम करे, हिंदू पंडित कश्मीरी पंडित भी है लेकिन फिर भी मुस्लिम लड़कियां
गुनाहगार है उनके लिए काम करना और उन कम्युनिटी ने एक्सेप्ट करना, ये सब चीजें बहुत अपोजिट है, लेकिन फिर भी बैलेंस कर पाए नेचर में, शायद उसने वो हमको सपोर्ट किया। मतलब भगवान का कोई हाथ था जो सब चीजें वर्कआउट हो रही है अपने आप। और बहुत सारे ब्लेसिंग्स है, मैं आपको बताता हूँ कि आई ऑलवेज ब्लेस्ड बाय डिवाइन मदर, एंड जितनी भी मतलब जहां जहां मैं गया हूँ कहीं ना कहीं कोई मदर मिली है और उसने मुझे एज अ चाइल्ड उसने एक्सेप्ट करके मुझे सपोर्ट किया। तो इधर भी मैं आया हूँ ना यूएस में, तो देर आर सो मेनी मदर्स, मतलब अगेन आई एम टेलिंग यू, आशा फॉर एजुकेशन में ऐसे लोग है कि दे आर लाइक टेकिंग केयर लाइक अ चाइल्ड, एंड दे आर लाइक यहाँ पर आने के बाद वो लोग इतना ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, इतना उसने लोगों तक लेके जा रहे हैं। सो या आई नो दैट कि देर इज सम एनर्जी हु इज सपोर्टिंग, बट मैं यहाँ देखो मैं कैलिफोर्निया आया हूँ ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने यहाँ पर लेकर आए, मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ टाइम मतलब आई डोंट वांट टू स्टे लॉन्ग, आई एम हियर फॉर पर्पस, आई एम हियर टू कनेक्ट विद द पीपल, आई वांट टू उनको मुझे नहीं तो बहुत बार लोग बोलते हैं यहाँ आते हैं तो लोग हमेशा कोई फंड रेजिंग के लिए, तो मैं यहाँ पर फंड रेजिंग से ज्यादा मैं यहाँ पर अवेयरनेस के लिए आया हूँ, लोगों को बताना कि भाई दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उनको लेनी है नहीं लेनी है मैं सवाल भी नहीं पूछूंगा, आप सिर्फ बताएंगे कि ऐसा है, अब आपकी मर्जी, आप आगे आके थोड़ा हेल्प करना चाहें किसी भी तरीके से कि नहीं। और वो हम अच्छी तरह यहाँ कर रहे हैं, काफी फोन लाइन बज भी रही हैं। तो वंस अगेन लिसनर, वी आर टॉकिंग टू अधिक कदम एंड ही हैज दिस ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन कॉल्ड बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन, और इसमें ये कश्मीर के अनाथ बच्चों का टेक केयर करते हैं, एंड टूडे कोई अबाउट 250 गर्ल्स हैं जिनका टेक केयर कर रहे हैं। लेट्स टेक वन मोर कॉल ऑन एयर, कॉलर यू लाइव ऑन एयर, आपका नाम? मेरा नाम पॉल है। सर आपने कॉल किया था पहले, शायद नहीं, मैंने नहीं, अच्छा आपने नहीं किया, ओके गो अहेड सर। बहुत पॉल होते हैं, मैं पहले कॉल नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं सर, बताइए। मेरे दो क्वेश्चन है, एक है आई वांट टू हियर फ्रॉम हिम व्हाई कश्मीर, व्हाई नॉट सम अदर स्टेट, और दूसरा सवाल भी बोल दो सर, फिर वो आराम से दोनों का जवाब साथ में दे देंगे। दूसरा ये है कि आई वांट टू हियर फ्रॉम हिम कि वहाँ स्टेट टेररिज्म कितना है, क्योंकि हमें पता है कि हमने बहुत मुस्लिम मारे और उन्हीं के बच्चे हम अब संभाल रहे हैं। ठीक है, तो आपके दो सवाल हैं कि वाई कश्मीर और दूसरा ये कि वहाँ पर टेररिज्म एक्चुअल में कितना है, करेक्ट सर? नहीं ब्रदर, हाँ जी, टेररिज्म, ठीक है, हमारी ये ब्राउन निक्कर वाले जो है ना, हाँ RSS, उन्होंने बहुत कुछ किया है और जो अभी कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू नो अबाउट। ठीक है सर, इसका आंसर देते हैं, तो मैं आपका फोन डिस्कनेक्ट करता हूँ। या ठीक है सर, तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस चैनल पे कि फर्स्ट थिंग आई लव टू डू ऑन दिस शो इज आई वॉन्ट टू डिस्कस थिंग्स, आई लव हैविंग टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज, डिस्कशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इल्जामबाजी से थोड़ा हटके रहते हैं। बट हैविंग सेड दैट, अधिक जी आप उनका आंसर दे सकते हैं। एक तरफ वाई कश्मीर, एक तो ये है कि जैसे मैं पूना में हूँ, बहुत सारे एनजीओज है जो पूना में काम कर रही है। अब मैं उस एनजीओ में मैं ही एक और एक एडिशन हो जाएगा तो ज्यादा कम्युनिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, शायद मैं कुछ दोस्त लोगों के ऊपर इम्पैक्ट कर लूंगा, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि बेटर यह है कि जहां पर कोई भी नहीं जा रहा, कश्मीर भी एक इस हिस्सा है इस अर्थ का जहां पर लोग वहां रहते हैं और वो ह्यूमन है, तो उनके लिए शायद अल्टीमेटली सोशल वर्क इज वर्ट टू हेल्प समवन एक्चुअली टू यू नो टू डेवलप समथिंग फॉर अ गुड पर्पज। तो बेसिकली मैं वहां पर कश्मीर गया हूँ इसी के लिए कि सब लोग दुनिया में सब बाकी तो सब जगह सब लोग जा रहे थे, वहां कोई नहीं जा रहा है, तो इसीलिए हमने चूज किया कश्मीर। और तभी शायद आपकी और फाउंडेशन का नाम भी है बॉर्डरलेस वर्ल्ड, क्योंकि आप लाइनों में बिलीव नहीं करते। बिल्कुल, और वो भी एक कॉन्सेप्ट था बॉर्डरलेस वर्ल्ड का, क्योंकि मैं एक गांव था टिठवाल करके, तो टिठवाल में मैं वहां पर गया, वहां पर शादी हुई, वहां पर डेथ हुई, और वो पाकिस्तान के दूसरे साइड में हुई, और यहाँ के इंडिया के लोग जो थे वो उसको शादी में एंजॉय कर रहे थे, और डेथ हुई तो वो भी पेन को शेयर कर रहे थे, और वो जा नहीं रहे थे, एक बीच में एक रिवर है किशन गंगा, और वो उसी को पाकिस्तान के लोग नीलम रिवर कहते हैं, और वो दोनों सिचुएशन एक हफ्ते मैंने देखी, और तभी लगा कि टेबल पे इन लोगों ने एक मैप लेकर एक लाइन डाल दी और बोल दिया ये पार्टीशन है, लेकिन लोगों के दिलों पर कोई सरहद या कोई पार्टीशन या कोई बॉर्डर नहीं बना, लोग अभी भी लोग दिलों से जुड़े हुए, वो हैप्पीनेस में हो या दर्द में हो, इसीलिए हम मुझे लगा कि दिस इज वाई बॉर्डरलेस, एंड वह बॉर्डरलेस का जो कंसेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम जो है, जो वन ग्रेट ह्यूमन फैमिली, तो वो उससे फिर वो समझ में आ गया, एंड देन वी डिसाइड टू वर्क फॉर दिस कॉल। बट वाई कश्मीर, यही कि कोई बाहर वहां से कोई जाता नहीं है, एंड उसी लिए कहां पर काम करना है। दूसरा ये है कि
स्टेट टेररिज्म. सी बेसिकली क्या है ना, कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्फ्लिक्ट में सबका फायदा है सबका नुकसान है, बट लोगों का कोई फायदा नहीं होता है, लोगों का ही नुकसान होता है. ये है कि एवरीवन इज ओनली टारगेटिंग कि उसमें से कोई इकोनॉमी डेवलप हो जाए, किसी का पॉलिटिकल विल सेटिस्फाई हो जाए, किसी का सोशल नीड सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो लोगों का जो क्योंकि लोगों की वजह से कम्युनिटी बनती है, लोगों की वजह से सोसाइटी बनती है, और अगर वो सोसाइटी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो अल्टीमेटली उसका पर्पज ही सर्व नहीं हो रहा है. किसी का सर्व हो जाएगा, पॉलिटिकल इंसान का हो जाएगा, सोशल इंसान का हो जाएगा, इवन मैं शायद हो सकता, मेरे ऐसे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे कि जो सोशल वर्क है, कश्मीर का नाम यूज करके दे आर एनजीओ का नाम बढ़ा रहे. तो आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट ऑल्सो बिकॉज आई एम नॉट हियर टू अर्न मनी और अर्न फेम. बेसिकली हम लोग वहां पर जो स्टेट टेररिज्म है या बाहर से टेररिज्म है या क्रॉस टेररिज्म है या वहां का लोकल टेररिज्म है, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, बिल्कुल पॉलिटिकल है, और इस चीज में हम अपने को पढ़ना नहीं है. मैं पिछले 18-19 साल से आई एम नॉट कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिक्स, आई एम नॉट कनेक्टेड विद एनी रिलीजन, आई एम नॉट कनेक्टेड विद एनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. कंप्लीटली जो है किसी से कनेक्ट नहीं करना है, ना आर्मी से कनेक्ट करना है, ना सिक्योरिटी से एजेंसी से, ना इंटेलिजेंस एजेंसी से, ना टेररिस्ट से, ना लोकल लोगों से. ओनली आई एम कनेक्टेड विद द चिल्ड्रन. अपना काम करना है, अपना काम करना, क्योंकि जिसको जो करना, क्योंकि मुझे सब जगह से आग ही आग लगी है. तो इसमें ये है कि अगर किसी को अगर बोलते ना, ये अल्टीमेटली क्या होगा ना, प्यार से ही हो सकता है. सब लोग अपने गुस्से में है, और अगर इसमें से कोई रास्ता है तो बोलते ना, दो ब्रेड के स्लाइस को अगर इकट्ठा करना है तो वो आपको ब्रेड लगाना पड़ता है. तो ब्रेड का काम जो है ना वो प्यार का से हो सकता है, बस प्यार ही है. तो वी आर जस्ट डूइंग इट, बस ये है कि पर्पसफुली कि वहां पर डेवलपमेंट हो जाए, वहां के लोगों के बीच में ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए. बिल्कुल, क्या बात कही आपने. लेट्स टेक वन मोर कॉल. कॉलर योर लाइव ऑन एयर, आपका नाम. कॉलर योर लाइव ऑन एयर, आपका नाम. हाय, दिस इज मनी हियर. बहुत देर से ट्राई कर रही थी उनसे बात करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट यू आर डूइंग. आई बीन पार्ट ऑफ आशा फॉर द लास्ट इयर्स, और बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जो छोटी सी एफर्ट है आप दूर दूर तक बहुत लोग बच्चों को पहुंचा रहे हैं. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट. एंड या थैंक यू सो मच. आशा इज रियली सपोर्टिंग वेरी वेल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बस वही आपसे कहना था एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन. कॉलर योर लाइव ऑन एयर, आपका नाम. हाय, दिस इज सनी, दिस इज मनु अगेन. हाँ जी सर. एंड व्हाट अधिक इज सेइंग, आई टोटली एग्री विद हिम. एवरी वर्ड ही इज सेइंग इज टोटली करेक्ट. एंड आई जस्ट वांट टू से, जाखो राखे ताइयां मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, क्या जग बैरी हुए. क्या बात है मनु सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हेलो, योर लाइव ऑन एयर, आपका नाम. Hi, my name is Sunita, and I just want to know what is the organization called, which this called, day is it's called Borderless World Foundation. Borderless World Foundation. Borderless World Foundation. Yeah, thank you. Google कर सकते हैं. You'll find more details about it. ओके, थैंक यू. बाय, थैंक यू सो मच. तो अधिक भाई, काफी लोग हमारे सुन रहे हैं. आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा था कि सबका भाव सेम है. एक काम करते हैं, छोटा मोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के उस पार हम अपनी जो बातों का सिलसिला है, आपसे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहां की, वो जारी रखेंगे. थैंक यू. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं भेजा फ्राई सनी मोजा के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर अधिक कदम से, who has his own foundation called Borderless World Foundation, which is doing an awesome work in Kashmir by taking care of all the little girls jinko anath ho chuki hain. So Adhik bhai, thank you so much for joining. Aapne bada aaj hamare listeners ko gyan diya ki bhaiya, aur inspiration bhi di ki agar aap kuch karna chaho to aap kar sakte ho. There is not really a limitation shayad mind mein hi hoti hai, lekin jaate jaate aap ye bataiye ki ab hamare jo listeners sun rahe hain wo chahte hain ki bhai बड़ा अच्छा सुना हमने, एंड वी वांट टू गेट इन टच विद अधिक, और कुछ हेल्प करना चाहते हैं या कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? दे कैन ईमेल बी ऑन bwfindia@gmail.com bwfindia@gmail.com, दैट इज माई ईमेल आईडी. एंड दूसरा ये है कि वेबसाइट पे जा सकते हैं. आशा के बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट यहाँ पर है. आशा के थ्रू दे कैन सपोर्ट. अल्टीमेटली इट विल रीच टू अवर चिल्ड्रन. बेसिकली वी वॉन्ट कि हम यहाँ पर लोगों से कनेक्ट हो जाए. बहुत सारे ग्रुप्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, लोग वहां पर कॉल करके मैं वहां पर प्रेजेंटेशन भी दे सकता हूँ. आई कैन टॉक अबाउट मोर, बिकॉज 15 मिनट में मैं 18 साल का 20 साल का काम एक्सप्लेन नहीं करता. बिल्कुल. सो अगर मुझे टाइम मिला तो आई कैन कनेक्ट मोर पीपल. यू आर लिसनिंग टू रेडियो जिंदगी जिए जा.